हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट चिकन। चिकन तो वैसे आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, बट इतना टेस्टी चिकन वो भी बिना तेल के पहले कभी नहीं खाया होगा। तो इस रेसिपी को पूरा जरूर देखें। अगर आपको मेरे ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन की रेसिपी। हमने आधा केजी चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से धो लेंगे। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। और ये हमने चिकन इसमें डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर लेंगे कम से कम 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी बहुत ही आसान है और मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, और खाने में यकीन मानिए इतना टेस्टी होता है कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। अब इसमें हम प्याज काट कर डाल देंगे। प्याज को मैंने रफली काट लिया है। मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर से हम इसे कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर, ताकि प्याज हमारा अच्छे से पक जाए। जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं। हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं और 16 से 17 लहसुन की कलियां ली हैं। दोनों को साथ में ग्राइंड कर लेंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर और लहसुन का पेस्ट, चाहे तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इस स्टेज में हमें 1 टेबलस्पून हल्दी इसमें डालना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम टमाटर को पकने देंगे। कम से कम इसे 10 मिनट तक पकने दें मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहें। अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ते, चिकन मसाला और गरम मसाला। टमाटर को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज किया है, इससे भी चिकन बहुत अच्छा बनता है। और चिकन मसाला और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा सा हरा मिर्चा और लाल मिर्चा भी डाल देंगे 1 टीस्पून। दोनों चीज डालने से टेस्ट और अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए बहुत अच्छा चिकन दिख रहा है। अब थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही ढककर रखेंगे लो फ्लेम पर। ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे इस स्टेज पर, और इसे हम पकने देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक। चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बस इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आप जिम गोयर्स हैं, तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदेमंद है। ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी, बिल्कुल भी ऑयल नहीं पड़ा है इसमें, बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बना है। सबसे अच्छी बात यह कि अगर एक बार अगर आप इसे बना कर खाएंगे तो बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे, इतना टेस्टी चिकन बनता है। तो आप लोग भी ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी को तुरंत बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।